मूवी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल की लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सुयोन है। वो आधी रात में एक ब्रिज पर चल रही है। वो नर्वस होके किसी के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाती है। अगले सीन में हम जी चोल को देखते हैं जो कि एक मध्यम उम्र का बॉक्सिंग कोच है। वो एक ट्रॉफी के साथ रेस्टोरेंट में आता है। वो ट्रॉफी उसके स्टूडेंट को मैच में दूसरे स्थान पे आने पे मिली है। यहां पता चलता है कि उसके स्टूडेंट ने वो कॉम्पिटिशन जितना था पर एक भ्रष्ट अधिकारी ने पैसों को देकर ऑपोजिट खिलाड़ी को जिता दिया। जी चोल एक ईमानदार इंसान है और वो अपने स्टूडेंट के साथ हुई बेईमानी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब एक अधिकारी उससे बहस करने की कोशिश करता है तो वो हाथापाई करने पर उतर आता है और एक पंच से उसको नॉकआउट कर देता है। वो आदमी बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है जिसके पास जी चोल को कोचिंग से बैन करने का अधिकार भी है। जी चोल की बहन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसे लड़ने की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला है। अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसकी बहन उसको शहर के गांव वाले साइड में जिम टीचर की नौकरी दिलवा देती है। अब अगले सीन में जी चोल ड्राइव करके शहर जा रहा है तभी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो ट्रक का इंतजार करते हुए नोटिस बोर्ड पे मिसिंग का नोटिस देखता है। उस नोटिस में जो लड़की है वो सुयोन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। किसी ने उसके पोस्टर पे लापता होने का मजाक उड़ाते हुए कुछ मैसेज लिखा है। जी चोल को ये हरकत खराब लगती है और वो उसे मिटाने की कोशिश करता है पर उसे वो और भी खराब कर देता है। अब शहर पहुंचने पे वो तीन लड़कियों को किसी को परेशान करते हुए देखता है। वो लड़की यूजीन है जिससे वो तीन बातें कर रही है। यूजीन मिसिंग लड़की की बेस्ट फ्रेंड है और वो उनपे गुस्सा कर रही है क्योंकि उन्होंने पोस्टर पर ड्रॉइंग की है। जब वो उन्हें इस बात के लिए कन्फर्म करती है तो वो लड़कियां ये बात नहीं मानती पर ये बात बहुत साफ है कि वो नहीं चाहते कि सुयोन वापस आए। जी चोल उन्हें अलग करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़कियां उसे अपना काम से काम रखने को बोलती है। अब इसके बाद जी चोल अपने पुराने स्टूडेंट और पुलिस ऑफिसर डोंगसू से मिलता है। वो जी चोल का शहर में स्वागत करता है और उसे शहर दिखाता है। फिर हम यूजीन को सुयोन की दादी से मिलने के लिए उसके घर जाते हुए देखते हैं और ये बात रिवील होती है कि सुयोन के परिवार में बस उसकी दादी है जो उसके लापता होने में बहुत डरी हुई है। वो और यूजीन ही उसे ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस तो उनके केस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। फिर यूजीन सुयोन के कमरे में जाके उसके साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है और अचानक से उसे याद आता है कि सुयोन क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती थी। थोड़ी खोज करके उसे क्लब का कार्ड मिलता है और वो फैसला करती है कि वो वहां जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अगले दिन जी चोल का काम पे पहला दिन है जहां प्रिंसिपल उसका इंट्रोडक्शन उसके को वर्कर से कराता है और उसे आर्ट टीचर जी सॉन के सामने खड़ा करता है। जिम टीचर होने के साथ साथ जी चोल को स्टूडेंट्स का डीन भी बनाया गया है और प्रिंसिपल उसे स्टूडेंट से हाई स्कूल फी कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर जी चोल लंच के टाइम पे सबसे पैसे मांगता है पर कोई भी लड़की उसको पैसे नहीं देती। अब उसे रास्ते में यूजीन मिलती है लेकिन वो भी उसकी बात को डिसमिस कर देती है। कुछ समय के बाद जी चोल उसे दीवार कूद के स्कूल से बंक करते हुए देखता है। वो उसका मार्केट तक पीछा करता है मगर एक क्रॉ मशीन देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपने जिंदगी में पहली बार जी चोल एक स्टफ टॉय जीत जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। किसी और जगह यूजीन ने एक ताकतवर नेता मिस्टर किम के लिए इलेक्शन कैंपेन होते हुए देखती है। पब्लिक इस बात से अनजान है कि वो एक करप्ट और बुरा आदमी है। यूजीन कैंपेन को इग्नोर करके उस क्लब में जाती है जहां सुयोन काम करती थी। वो वहां मौजूद लोगों से पूछती है कि उन्होंने सुयोन को देखा है लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। अब क्लब का मालिक उसे बाहर निकालने की धमकी देता है और उसे हाथ लगाने ही वाला होता है कि तभी वहां जी चोल आके उसको बचा लेता है। वो उसे केस से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि उसमें पुलिस काम कर रही होगी। बाद में उस रात वो उसे उसके घर छोड़ के वापस अपने घर लौटता है। जब यूजीन अकेले होती है तब एक अजनबी उसका पीछा करके उसको किडनैप करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ कहीं पे जी चोल नोटिस करता है कि यूजीन ने अपना फोन उसकी गाड़ी में ही भूल गई और उसे वापस देना जाता है। वहां पहुंचने पर वह किडनैपर को देखता है जिसे लगता है कि वह पकड़ा जाएगा इसीलिए वह भाग रहा होता है। अब जी चोल यूजीन को हॉस्पिटल लेके जाता है और पुलिस में एक ऑफिशियल कंप्लेन फाइल करता है लेकिन जब पुलिस के चीफ को पता लगता है कि यूजीन सुयोन की दोस्त है तो वह केस को डिसमिस करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि वो सुयोन के गायब होने के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। कुछ देर बाद जी चोल अपने पुलिस दोस्त डोंगसू से सुयोन के केस के बारे में बात करता है और उसे पता चलता है कि पुलिस ने उसका केस ऑफिशियली फाइल भी नहीं किया है। पुलिस वालों को लगता है कि वो जिम्मेवारी से बचने के लिए किसी शहर भाग गई है। जी चोल जानता है कि ये सच नहीं हो सकता और सुयोन के साथ रियलिटी में क्या हुआ ये पता करना उसका मिशन बन जाता है।
वो उसके घर जाके उसकी दादी से मिलता है और उन्हें बोलता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन के लिए फॉर्मल लेटर लिखेंगी तो पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। उनका प्लान काम करता है और डोंग सू उनका केस फाइल करता है। अब जीचोल स्कूल में उस केस के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि सुयोन उनकी आज तक की सबसे बेकार स्टूडेंट थी। वो आधे से ज्यादा साल छुट्टी पे रहती थी और सब उसे पागल समझते थे। टीचर जीचोल की भलाई के लिए उसे इस केस से दूर रहने को बोलती है। यूजीन अपने दोस्त के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और बहुत ही गुस्सा होती है। वो जीचोल को किनारे में ले जाके समझाती है कि सब लोग उससे झूठ बोल रहे हैं ताकि सुयोन के गायब होने का असली कारण छुपा रहे। अब जीचोल को समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है। जाने से पहले यूजीन उससे पूछती है कि अगर सुयोन उसकी बेटी होती तो वो क्या करता। उस सवाल से उसकी सोच साफ हो जाती है कि अगर सुयोन भागी भी है तो उसको ढूंढना जरूरी है। उसके बाद जीचोल कुछ लड़कियों को बाथरूम में स्मोक करते हुए देखता है और वो सिगरेट के पैकेट ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी जगह एक कोने पे हिडन कैमरा दिखता है। वो तुरंत प्रिंसिपल के पास जाकर उसे सबके बारे में बताता है। प्रिंसिपल उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और उसे सुयोन के केस से बाहर रहने को बोलता है। और प्रिंसिपल का कमेंट सुन के वो उसे कैमरा के बारे में ना बताने की सोचता है। फिर वो फुटेज के अंदर का केन एंड टेंट खुद देखता है। ऐसा पता चलता है कि वो कैमरा टीचर जी सॉन्ग ने वहां सेट किया है, जिसका डेस्क उसके डेस्क के पास ही है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही घर के लिए निकल चुका है। और मौके का फायदा उठाते हुए वो जी सॉन्ग का लैपटॉप खोलता है और उसकी ओर सुयोन के टैक्स मैसेज को देखता है और बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। जिस रात वो गायब हुई उसने जी सॉन्ग को उसे ब्रिज में पिक करने का मैसेज किया था। इससे ये साफ पता चलता है कि वो केस के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। जीचोल तुरंत अपने पुलिस दोस्त को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। फिर वो यूजीन को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। ये पता चलता है कि वो जी सॉन्ग के साथ गाड़ी में है, जिसने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया है। जीचोल सीक्रेट तरह से उसे सब कुछ बताता है जो उसको जी सॉन्ग के बारे में पता चला है और उसे सावधान रहने के लिए बोलता है। वो बहुत चालाकी से जिसोंग से पूछ लेती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और जीचोल को लोकेशन मैसेज सेंड कर देती है ताकि वो उन्हें आसानी से ढूंढ ले। फिर वो नोटिस करती है कि जी सॉन्ग का की रिंग बिल्कुल सुयोन के की रिंग जैसा है। वो उसे सुयोन के बारे में पूछती है, लेकिन एक पंच से नॉकआउट करा दी जाती है। वह आंखें खोलने में खुद को बंधी हुई और मुंह बंद किए हुए उसके बेडरूम के फ्लोर पर पाती है। फिर वह देखती है कि जी सॉन्ग के अलमारी में सुयोन का फोन है। अब इससे पहले कि जी सॉन्ग यूजिन को कोई नुकसान पहुंचाता, जीचोल वहां आ जाता है और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। जी सॉन्ग उसको रोकने की कोशिश करता है, पर एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन के आगे नाकामयाब हो जाता है। उसे पंच करके जमीन पे गिरा के बांध दिया जाता है। वो जीचोल के आगे भीख मांगता है कि वो उसकी कंप्लेन ना करे, नहीं तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। पर जीचोल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे सुयोन के गायब होने के बारे में पूछता है, पर वो बोलता है कि उसके गायब होने के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसके अकॉर्डिंग सुयोन ने उस रात क्लब से पिक करने के लिए कॉल की थी। वो उसको घर छोड़ रहा था कि रास्ते में सुयोन को किसी का फोन आया और उसने जिसोंग को उसे गैस पंप पे छोड़ने को बोला। वो बोलती है कि कोई उसे गैस पंप पे पिक करने आ रहा है, इसीलिए ये जिसोंग बिना ज्यादा सोचे घर चला जाता है। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एक लड़की को रात में अकेले छोड़ के जाने पर बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, पर जब वो वापस आके देखता है तो वो वहां से गायब होती है। उसे उसका फोन सड़क पे मिला और वो उसने रख लिया। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। बहुत ही जल्दी जी सॉन्ग को उसके मिसबिहेवियर के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पुलिस चीफ अभी भी ये बात नहीं मानता कि सुयोन को किडनैप किया गया है। जी चोल के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस चीफ किसी को फोन करके उसे सावधान रहने को बोलता है। अब इससे प्रूफ होता है कि किडनैपिंग के पीछे किसी और का हाथ है और चीफ उसकी मदद कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल जीचोल को अपने ऑफिस में बुला के उसे सुयोन के केस में इतना इंटरेस्ट लेने के लिए जॉब से निकाल देता है। अब जीचोल को यह बात साफ हो जाती है कि शहर के सब लोग सुयोन के साथ जो हुआ उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे पहले वो अपनी अगली मूव के बारे में सोचता, उसका पुलिस दोस्त डोंगसू को तुरंत एक लोकेशन में बुलाता है। वहां पहुंचने में जीचोल सुयोन की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लेते जाते हुए देखता है। अब यूजीन अपने सबसे करीबी दोस्त के मरने पर बहुत ही रो रही होती है। जीचोल को समझ आता है कि किलर यूजीन को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो सुयोन की बीमार दादी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। जब उन्हें सुयोन की डेथ का पता चलता है तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ डोंगसू अपने सुपीरियर की बातें सुन लेता है, जो आपस में ये बात कर रहे हैं
की चीफ केस को दबाए रखने के लिए पैसे ले रहा है। वो फैसला करता है कि वो केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा और इसीलिए उसे जो सुयोन का फोन मिला था उसे वो चुरा लेता है। उसे रिपेयर करने के बाद वो मैसेज देखता है। उसे पता चलता है कि सुयोन ने क्लब की एक इसुल नाम की औरत से बात की है। वो जी चोल को उस औरत के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल रखता है कोई उसे पीछे से नॉकआउट कर देता है। फिर जी चोल बार जाकर उस औरत से मिलता है। जी चोल बार बार इंसिस्ट करने पर वह बताती है सुयोन क्लब में पार्ट टाइम सिंगर का काम करती थी। जिस रात वो गायब हुई तब नेता मिस्टर किम, बार के चेयरमैन और पुलिस इंस्पेक्टर क्लब में इकट्ठे थे। जब सुयोन परफॉर्म कर रही थी उसे हॉस्पिटल से कॉल आई कि उसकी दादी बीमार है और उसने चेयरमैन से इजाजत मांगी, पर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगा और बार की ओनर के पीछे पड़ने पे वो वहां से भाग गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इस बारे में सर कुछ नहीं जानती। बार का ओनर और उसके आदमी जी चोल पर अटैक करते हैं, पर वो किसी तरह उनसे लड़ लेता है। जब बस ओनर बच जाता है तो वो उससे पूछता है कि उसने सुयोन को क्यों मारा। वो आदमी डरा हुआ होता है और इसीलिए वो ये बात मान लेता है कि उसने उस रात सुयोन का पीछा किया, लेकिन उसने उसको नहीं मारा। इनफिनिट उसे वो एक पब्लिक बाथरूम में मरी हुई मिली। जिस इंसान ने उसे मारा वो कोई और नहीं पर जी सॉन्ग है, जो मिस्टर किम का बेटा है और अपने पिता के इन्फ्लुएंस के कारण वो किसी से नहीं डरता। वो सुयोन से प्यार करता था, लेकिन जब सुयोन ने उसे इनकार कर दिया तो उसने उसको मार डाला। ये जानने के बाद जी चोल बहुत गुस्से में है और वो डोंगसू को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि जी सॉन को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि यूजीन की जिंदगी भी खतरे में है। जब वो अपना फोन नहीं उठाती जी चोल तुरंत जी सॉन्ग के घर जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तभी जी सॉन्ग यूजीन को ढूंढ के उसे किडनैप करके किसी और सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है, लेकिन जैसे उसके पिता उस लोकेशन पर आते हैं वो रुक जाता है। वो यूजीन को एक जगह छुपा देता है और मिस्टर किम को रिसीव करता है ताकि मिस्टर किम को ना पता चले कि उसने उसे किडनैप किया है। अपने बेटे की वजह से हुई परेशानियों के कारण मिस्टर किम बहुत गुस्से में है। वो जीसॉन को यूएस जाके कभी ना वापस आने का ऑर्डर देता है। जीसॉन मिस्टर किम पे सुयोन को मारने का इल्जाम लगाता है। ये बात रिवील होती है कि मामले को संभालने के लिए किम को पब्लिक बाथरूम में बुलाया गया था और उसे पता चला कि सुयोन अभी जिंदा है, और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो उसको मार डालता है। जो उसकी बेटे ने शुरू किया वो उसको खत्म करता है। उसके जाने के बाद यूजीन जी सॉन्ग पे हमला करके बाहर भाग जाती है, पर वो उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाता। वो उसे मारने से कुछ सेकंड्स दूर होता है, तभी जी चोल वहां जाता है और उस पे अटैक करता है। जी चोल उसको मार मार के भर्ता बना देता है। फिर वो यूजीन को हॉस्पिटल लेके जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर किम इलेक्शन जीत जाता है और उसे शहर का गवर्नर बना दिया जाता है। अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जी चोल ये न्यूज टीवी पे देखता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपनी कार ड्राइव करके हाईवे पे लेके जाता है और जिस कार में मिस्टर किम है उसको हिट करता है। ड्राइवर को नॉकआउट करने के बाद वो उस नेता के पास जाता है जो डर के कांप रहा है। वो जी चोल को डराने की कोशिश करता है और कहता है तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, पर जी चोल को उसके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह किम और पुलिस इंस्पेक्टर की सच्चाई नेशनल न्यूज बन जाती है और उन्हें सुयोन का कत्ल करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। आखिरी सीन में जी चोल यूजीन को देखने हॉस्पिटल जाता है और जो स्टफ टॉय उसने क्लॉ मशीन में जीता था वो उसके लिए रख देता है। फिर वो नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद से नए शहर चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। ये मूवी